दर्शक मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और अभी आप जो देख रहे हुए हैं इंडियन स्पेक्टिकल ब्लैक कोबरा, अभी जो आप देख रहे हो यहाँ पे एक फ्यूज का कारखाना है और उसके अंदर आ गया है। ओके, देखो अभी वो सामने बहुत हेल्दी है और आई थिंक उसने कुछ खा लिया है या फिर निकल लिया है। चलो अभी इसको हम रेस्क्यू करते हैं अच्छी तरह से। इसमें हमने पहले से ही आप देख सकते हो किस तरह से आसानी से इसको इसके अंदर फिट आ गया है, क्योंकि एक सेफ तरीका है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अभी आप देख सकते हो कि ये जो है अभी वो केचुली ऊपर है, इसके लिए इसकी अपने आँख देख सकते हो वो दूधिए कलर की हो गई है, क्योंकि अभी इसने केचुली नहीं निकाली है, इसलिए थोड़ा बहुत ये हमको ब्राउन जैसा लग रहा है, बल्कि ये ब्लैक कलर का कोबरा है और एक कॉमन कोबरा है जो कि स्पेक्टिकल नहीं है। तो अभी देखने के बाद पता चला कि एक कॉमन कोबरा है क्योंकि इसने स्पेक्टिकल नहीं आया था। अच्छा है, साइज़ भी अच्छी है, उसने खुराक भी अच्छा हुआ लिया है, इसलिए भी हम इसको अच्छी जगह पर छोड़ेंगे जहाँ पर किसी को काटे ना और इसकी जान को भी खतरा ना हो, और अच्छी जगह पर इसको हम ले जाएंगे जहाँ पर इससे भी जूती सब रखा है। थैंक यू बैक। अभी हम जो कोबरा को रेस्क्यू किया है उसको हम छोड़ने के लिए आए हैं, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक और बहुत जगह, देखो बाहर ही बैठा है, देख सकते हो आप, तो वो अंदर चला गया है क्योंकि ओके यहाँ पे देख सकते हो उसको हम बाहर निकाल देते हैं, वो अपने हिसाब से निकल जाएगा, देख सकते हो वो घुर्रा रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है बाहर तक। बहुत ही एग्रेसिव हो गया है, बहुत ही गर्म है, क्योंकि अभी अपने केचुले निकल रहा है, इसलिए तो मैंने थोड़ा बहुत उसमें डाल दिया कंकर के, उसके हिसाब से वो अपने केचुले निकाल सके। तो अभी इसको हम छोड़ रहे हैं अच्छी जगह पर जहाँ पर ये अपने केचुले निकाल सके और अपना खाना फिर से ले सके, क्योंकि जब भी ये केचुले निकालता है, जब भी ये खाना खाता है और जितना भी खाना खाता है उसके हिसाब से वो अपने केचुले निकालता है, क्योंकि उसकी जो स्किन ऊपर परजीवी जो जो चिपके रहते हैं उसको निकालने के लिए और अपनी स्किन को साफ करने के लिए ये अपनी देख सकते हो आप कि ये अपनी जो डेड स्किन होती है उसको निकाल देते हैं। और एक अच्छी बात है क्योंकि उसमें कोई साफ करने के लिए कोई और तरीका नहीं, इसलिए वे हर उस समय के बाद अपनी स्किन इस तरह से निकाल देते हैं जो कि उसमें जो कि जो कोई भी परजीवी होते हैं उसके साथ साथ निकल जाते हैं। चलो फिर इसको भी छोड़ दिया अच्छी जगह पर कि जहाँ पर वो आगे की अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू कर सके। थैंक यू, धन्यवाद, आओ जो